बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन कोतवाली पुलिस ने सराहनीय पहल करते हुए एक प्रेमी युगल की पुलिस कोतवाली में कराई शादी। पुलिस की मौजूदगी में शादी समारोह में पुलिसकर्मी बाराती और घराती बने। पारिवारिक विवाद के बाद प्रेमी युगल आमने सामने हो गए थे। युवती शिकायत करने कोतवाली पहुंच गई थी, लेकिन कोतवाली TI ललित सिंह डागोर ने आरोपी युवक को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जगह युवक और युवती की काउंसलिंग कर प्रेमी युगल को प्यार की दुहाई देते हुए कोतवाली परिसर के शिव मंदिर में अनोखी शादी करवाई, जिसमें पुलिस कर्मियों ने वैवाहिक बंधन की रस्म अदायगी की। आमतौर पर पुलिस थाने में शिकायत करने वाली युवती महिला के शिकायत पर पुलिस त्वरित कार्यवाही कर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करती है, लेकिन खरगोन कोतवाली में घोटिया गांव की युवती शिकायत लेकर पहुंची, लेकिन कोतवाली TI ने जब आप बीती सुनी और आरोपी युवक को सलाखों के पीछे पहुंचाने की जगह युवक युवती की काउंसलिंग कर हमेशा के लिए जीवन भर के बंधन में बंधवा दिया। दरअसल पाटीदार समाज के प्रेमी युगल के पिछले 1.5 साल से चल रही प्रेम कहानी का अंत शादी की बात पर दोनों परिवार आमने सामने हो गए। विवाद और शादी नहीं होने से आहत युवती कोतवाली थाने पर बलात्कार की शिकायत करने पहुंच गई, लेकिन TI डागोर की सूझबूझ से प्रेमी युगल विवाद और विरोध के वैवाहिक बंधन में पुलिस की मौजूदगी में बंध गए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े बहुत मान गए और आगे भी मान जाएंगे। और यहाँ आने का कारण यह था कि परिवार वाले मान नहीं रहे थे और हम दो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ आने के बाद हम दोनों मिल गए और अब बहुत अच्छे से शादी कर ली। अब पुलिस वालों ने शादी करी आपकी? पहली बार यहाँ पर थाने में किसी युवक युवती की शादी हुई मंदिर में, क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और उनका बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दोनों परिवारों को समझा दिया पुलिस द्वारा, फिर राजी मर्जी हो गई? हाँ। क्या नाम लिखते हैं? रवीना पटेल। कहाँ रहते हैं? घोटिया। शादी आपने यहाँ पे की है, किस प्रकार की आप सुखद अनुभूति हो रही है? आप यहाँ पर थाने में शिकायत भी करने पहुँची थी एक दिन पहले। बहुत सुखद अनुभूति नहीं, अब किस प्रकार अच्छा लग रहा है? आपकी क्या पहल रही शादी करने के लिए? पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगा रहा आपकी शादी कराने के लिए? किस तरीके से आपको समझाई दी? ऐसे ही हमारी तो राजी थी, लेकिन थोड़ा मन मुटाव हो गया था तो यहाँ आके सब ठीक हो गया। और वैवाहिक बंधन में बनने के बाद किस तरह से अनुभव किया? बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या संदेश देना चाहते हो दूसरे लोगों को जो इस तरह से प्रेम करते हैं और शादी नहीं हो पाती, कई बार टूट जाती है? इधर देखिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? कितना चाहते हो? अभी शादी हुई आपकी यहाँ पर धूमधाम के साथ में, पुलिस बाराती बनी, सब हमारी पुलिस वालों की राजी मर्जी से हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी शादी हुई है, सब लोग आए हैं। तो क्या कारण था शादी यहाँ करना पड़ी, क्या कुछ क्या कारण पीछे क्या रहा? कुछ कारण ये था, हम साथ में थे पिछले 1.5 साल से, हम साथ में थे, घर वालों के थोड़े से मन मुटाव था, हो जाएगा हमारी शादी है, पुलिस प्रशासन ने साथ में हमारे। तो परिवार वाले राजी हो गए? अभी नहीं है, तो कुछ है कुछ नहीं है, तो हो जाएगा वो। आपके खिलाफ शिकायत भी लेके पहुंची थी थाने में? वो शिकायत थी थोड़ी सी, बस इसी शादी की वजह से। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग मिला? पुलिस प्रशासन का ये शादी करवाने में बहुत अच्छा सहयोग मिला। क्या नाम लिखता है? विकास पाटिल। किस प्रकार जो लड़का लड़की की शादी हुई, जिस तरह से उनके परिवार को भी मनाया गया? ये पाटीदार समाज की दो बच्चे बच्ची का मामला था। ये बालिक बच्चे बच्चे आए, इनमें आपस में प्रेम संबंध है, फिर कुछ पारिवारिक दिक्कतें आ रही थी, तो इसमें रिपोर्ट होने की नौबत तक थी। इस पर हम लोगों ने आप सबके सहयोग से एक इनको प्रस्ताव दिया कि आप लोग बालिक हो, स्वस्थ हो, इनके परिवार वालों को मनाया, दोनों पक्ष तैयार हो गए और आज बच्चियों की मंदिर में शादी कराई है। क्या लगता है सर, किसी पहल कितनी कारगर साबित हो गया? निश्चित ही दोनों बहुत मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अच्छा परिवार हैं दोनों के ही, तो जरूर ये अच्छे शादी के गठबंधन बन के अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक जिएंगे। किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं आप? समाज में जो इस तरह की कुरीतियाँ हैं कि यदि बच्चे बच्ची साथ रह लिए या ऐसा कुछ हो गया तो फिर बाद में बलात्कार जैसी रिपोर्टें होती हैं, वो शर्मनाक होती है, दोनों परिवार ख़त्म हो जाते हैं। तो सबको इस तरह का, दोनों परिवारों को यदि एक ही समाज के हैं और
एक जैसी संपन्नता है तो ऐसी चीज़ों में आगे आना चाहिए। परिवार वालों की सर रजामंदी है? दोनों परिवार की रजामंदी है और दोनों परिवार मान गए शादी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियोस